हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द स्टेट ऑफ सिस्टम स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट फंक्शन एंड कुछ थर्मोडाइमिक जो भी इक्विलिब्रियम एंड कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था हमने कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था थर्मोडाइनमिक थर्मोडाइमिक्स हमने पढ़ा था कि वाट इज थर्मोडा क्या होती है उसकी कुछ अपलिकेशन देखी थी लिमिटेशन देखी थी थे थर्मोडाइन हमने थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े थे ओपन सिस्टम था क्लोज था एंड आइसोलेटेड सिस्टम था देखिए एक मिनट हम रिव्यू कर लेते हैं देखो थर्मोडाइडमिक है, आपको पता चल गया था क्या था उसकी कुछ लिमिटेशंस देख ली थी अब ओपन सिस्टम क्या था हमारा उसमें क्या था मैटर एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा था सिस्टम का सराउंडिंग के साथ में फिर हमने पढ़ा था क्लोज सिस्टम तो क्लोज सिस्टम में क्या होता था हमारा मैटर चेंज नहीं होता था ओनली एनर्जी का एक्सचेंज होता था सिस्टम के साउंडिंग के साथ फिर हमने पढ़ा था आइसोलेटेड सिस्टम उसमें ना ही तो मैटर चेंज होता था ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती थी सिस्टम टू साउंडिंग्स हमने थ्री टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ लिए थे सिस्टम पढ़ लिया था हमने साउंडिंग क्या है एंड बाउंड्री पढ़ ली थी क्या थी बाउंड्री सिस्टम और जो सराउंडिंग को सेपरेट करती है फिर हमने कुछ प्रोसेस पढ़े थे जो भी थर्मोडामिक प्रोसेस हैं जैसे आयसू थर्मल है आइसुबारिक है एंडियाबैटिक है उन प्रोसेस को फिर हमने टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या थी जो नेचर पर डिपेंड करती है मीन्स वो क्वान्टिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती लाइक like जैसे टम्परेचर है प्रेशर है एंड एक्सटेंसिव क्या थी जो क्वानिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है लाइक मास वॉल्यूम तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो अब देखें स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल होते क्या हैं हमारा पास डिफ जैसे हम है ना मेट्रिक स्टेट डिफाइन करते हैं मैटर की स्टेट बताते हैं हम जैसे सॉलिड है लिक्विड है गैस है वैसे हम यहाँ पे सिस्टम की स्टेट डिफाइन करेंगे मींस क्या है यहाँ पे जैसे जितने ये हमने पढ़ लिया था कि जो भी आपका है वो ओनली माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को बताती है हमने टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना एक होता है माइक्रोस्कोपिक एक होता है माइक्रो माइक्रो मीस होता है स्मॉल पार्टिकल एंड माइक्रो होता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल तो हमें पता है कि जो थर्मोडाइमिक है वो ओनली माइक्रोस्कोपिक जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल उसके

ओके okay, ये होगा स्टेट वेरिएबल अब देखिए हम स्टेट फंक्शन भी होता है टू टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं एक स्टेट फंक्शन होता है और एक होता है आपका पाथ फंक्शन हमें पता है पाथ फंक्शन क्या होता है जो पाथ पे डिपेंड करेगा दैट मीन वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता लेकिन जो स्टेट फंक्शन होता है वो डिपेंड करते हैं ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू दैट मीन जैसे आपका ये पाथ है एंड बी है ये आपका इनिशियल स्टेट होगी एंड ये आपकी फाइनल स्टेट होगी जैसे आप ये अज्यूम कर लीजिए एग्जांपल लीजिए जैसे ये हमारा होम है ये हम कॉलेज या स्कूल लगा लो अब हम चलते हैं जैसे हमारी इनिशियल स्टेट होती है होम हमें कहाँ पहुँचना होता है कॉलेज या स्कूल में फाइनल स्टेट हमारी कॉलेज तो ये तो क्या स्टेट फंक्शन कि हमें इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करा है एंड जैसे टू वे है हमारे होम से एंड कॉलेज तक जाने जाने के जैसे एक तो रास्ता ये है हमारा एक रास्ता ये है हम जैसे टू डिफरेंट और वे हैं तो जो पाथ के ऊपर डिपेंड करें हम डिफरेंट वे से जा रहे हैं जैसे इस रास्ते से जा रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं या स्टेट जा रहे हैं तो पाथ फंक्शन पे मीन्स पाथ पे डिपेंड कर रहा है ए से बी जाने में आप कौन सा पाथ का यूज़ करें वो तो होगा पाथ फंक्शन एंड जो सिर्फ ये डिपेंड कर रहा है कि हमारा इनिशियल स्टेट जैसे होम है एंड फाइनल ये है कॉलेज तक तो जो स्टेट फंक्शन होगा वो ओनली डिपेंड करेगा कि इनिशियल एंड फाइनल वो डिपेंड नहीं करेगा कि पाथ उसने कौन सा फॉलो किया है एंड एक अनदर एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं जैसे जैसे ये आपका ग्राउंड फ्लोर है ये आपका टेंथ फ्लोर तक अब हमें टेंथ फ्लोर तक जाना है जैसे एक तो हम लिफ्ट से जा सकती हैं एक हम सी से जा सकती हैं लिफ्ट से जाएंगे देखो इन्हीं से स्टेट का ग्राउंड है फाइन हमें यहाँ टेंथ फ्लोर तक जाना है अब यहाँ पर पहुंच गया पहुंच गए हम देखो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जैसे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होती है एंड ये जब हम सी डी ओ से जाएंगे तभी भी हमारे फाइनल स्टेट क्या है हमें टेंथ फ्लोर तक पहुँचना है तो, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम होगी चाहे आप कौन से से भी जाओ मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी आपकी स्टेट फंक्शन होगी वही डिपेंड नहीं कर रही कि आप रास्ता कौन सा चूज किया लेकिन जो वर्क है एक तो हम लिफ्ट से जाएंगे एक हम सी डी ओ से जाएंगे तो इसमें हमें ज़्यादा वर्क रिक्वायर होगा तो जो वर्क होगा या हीट वो हमारी कैसी होती है पाथ फंक्शन वो डिपेंड करते हैं ना हमने पाथ कौन सा फॉलो फॉलो किया है तो आपको समझ आया होगा इस एग्जाम्पल से भी आई होप एंड फिर होते हैं कुछ थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम देखिए थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम क्या होती हैं माइक्रोस्कोपिक जो भी प्रॉपर्टीज हैं इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा नोट चेंज विद टाइम अब देखिए इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम मैकेनिकल केमिकल थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा थर्मल मीन होता है हीट तो नो फ्लू हीट दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा ठीक है एंड मैकेनिकल में क्या होगा दैट मीन यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी मैकेनिकल वर्कडन नहीं कर रहे हैं हम सिस्टम के ऊपर जो भी आप डिफरेंट स्टेट ऑफ सिस्टम है उनपे मैकेनिकल वर्ग्रन नहीं कर रहे दैट देट मीन्स कोई भी मोशन नहीं है पार्टिकल का मोशन नहीं है कब नहीं हो सकता द मीन्स जो प्रे, जो प्रेशर है वो यहाँ पे कांस्टेंट है प्रेशर चेंज नहीं हो रहा मैकेनिकल के लिए एंड केमिकल में जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा जो भी कंपोजिशन है वेरियस फेस सिस्टम की वो रिमेन्स सेम है तो ये कुछ थर्मोडाइमिक इक्विलिब्रियम के टाइप्स होते हैं फिर होते हैं थर्मोडाइमिक प्रोसेस प्रोसेस हमें पता है क्या होता है कोई भी सिस्टम है चेंज हो रहा है जब वन स्टेट टू अनदर उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़े थे हमने एक पढ़ा था जैसे आइस थर्मल था जहाँ पे उसमें क्या होता है आइसो ओ क्या होता है सेम थर्मल में हीट या टेम्परेचर तो है यहाँ पर आपका टेम्परेचर सेम रहता दैट मीन कॉन्स्टेंट फिर हमने पढ़ा था आइसो बारिक आइसो बार में क्या होता है आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है एडियाबेटिक में क्या होता है आपका हीट कॉन्स्टेंट रहता है एक होता है आपका साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है जहाँ से सिस्टम रिटर्न इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर एंडर देखिए अब जैसे ये है जैसे हमें वो कार्नोट साइकिल भी पढ़ते हैं जैसे ये प्रोसेस आप ए बी सी डी यहाँ से आप चले ए आपकी इनिशियल स्टेट थी यहाँ तक आपका फाइनल आ आके आप, आपने यहाँ तक आ गए स्टेट तो दैट मीन यहाँ पे चेंज जो साइक्लिक प्रोसेस है ना वहाँ ओरिजिनल इनिशियल स्टेट से लेकर फाइनल स्टेट तक हम वापस आ जाते हैं ओरिजिनल तो कुछ भी वर्गढ़ नहीं होता यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी बोलोगे अंथलपी वो जीरो होगी चेंज इन तो साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम रिटर्न अपनी ओरिजिनल स्टेट पर ही आ जाएगा फाइनल स्टेट से मीन्स ओरिजिनल स्टेट पे ही आ जाएगा डिफरेंट नंबर ऑफ चेंजेस करके गोइंग सीरीज ऑफ चेंजेज ये हमने पढ़ लिया अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रोसेस ये टू मेन टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं देखिए वन है आपका रिवर्सिबल एंड सेकंड है इरिवर्सिबल प्रोसेस देखिए रिवर्सिबल क्या होता है जैसे आपने रिएक्शंस पढ़ी होगी टू टाइप ऑफ रिएक्शन होती वैसे है वैसे प्रोसेस है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है एक इ रिवर्शिबल रिएक्शन आपने पढ़ी होगी जैसे हमने ऐसे नहीं कर करते ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जैसे ए से बी तो रिवर्सिबल में हम क्या करते थे जैसे ए रिएक्टेंट आपका बी प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हम इंटरकन्वर्ट कर सकते थे रिवर्सिबल रिएक्शन में लेकिन जो आपका ए रिवर्शिबल रिएक्शन होती थी वो ओनली क्या होती थी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है मीन्स प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हम वापस इंटरकन्वर्ट नहीं कर सकते वो रिएक्शन होती थी अब हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा ए प्रोसेस कैरिड आउट इन्फाइटली स्लोली एक तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है बहुत स्लोली होता है सीरीज नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं इसमें कंप्लीट होने में एंड सो दैट ड्राइविंग फोर्स ओनली इन्फाइनली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स अब हम हड़ेंगे देखें हम एग्जाम्पल से देखेंगे ड्राइविंग फोर्स क्या है आपका एंड कैसे हम कहाँ थे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में देख सॉरी फॉर दैट बीच में डिस्टर्बेंस हो गए थे कुछ एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ रहे थे हम जैसे हमने रिएक्शन पढ़ रहे थे ना रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ते हैं एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन तो रिवर्सिबल में क्या होता है जैसे ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी हम वापस आप आ सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है ओनली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन हम प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. वो था आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस अब रिएक्शन होती थी वो अब हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस देखिए क्या बोलता है रिवर्सिबल प्रोसेस ए प्रोसेस कैरिड आउट इन्फाइनटली स्लोली सो दैट ड्राइविंग फोर्स ओनली इन्फाइनसली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स अब हम एग्जांपल से पढ़ेंगे कि ड्राइविंग फोर्स क्या है एंड ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना ये काफ़ी स्लो होता है इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं कंप्लीट होने में एंड इरिवर्सिबल प्रोसीड करता है ओनली वन डायरेक्शन में करता है एंड प्रोसेस विच डज नॉट टेक प्लेस ये ज़्यादा स्लो नहीं होता फास्ट होता है अब देखिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं जैसे ये हमारा कंटेनर है या आप कोई सिलेंडर है ये हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनलेस पिस्टन या बोल सकते हो आप वेटलेस पिस्टन दैट मीन्स इसका इतना वेट नहीं नेग्लेजिबल वेट है पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है आप जब वेट को ऊपर या नीचे करेंगे अब देखिए ये हमारा एक कंटेनर है इसमें हमने गैस फील कर रखी है गैस के आप मान ली एन नंबर ऑफ मोल है हमें पता कितने मोल्स हैं हमने एन नंबर ऑफ मोल एज्यूम कर लिए ठीक है अब ये गैस का प्रेशर है अब ये हमें पता है देखिए हम गैस स्टेट में ये पढ़ते हैं कि जो गैस के जो पार्टिकल हैं वो आपस में प्रेशर एग्जिट करें करते हैं किसके ऊपर वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर हाँ ठीक है अब हमने क्या कर रखा है जैसे ये कंटेनर है आपका अब ये प्रेशर है कुछ एंड ये हमने पिस्टन लगा रखा है यहाँ पे हमने कुछ वेट रख रखे हैं ठीक है ये वेट रखती है तो दैट मीन यहाँ पे क्या होगा प्रेशर एग्जर्ट होगा कुछ देखिए टू कंडीशन हो सकती है हम देखिए एक तो एक्शनल प्रेशर ये वेट लगा रहे हैं इसके ऊपर एक ये जो इंटरनल प्रेशर है जो गैसे इसके पार्टिकल ये प्रेशर एग्जर्ट करें हमने जूम कर लिया कि एक्शनल प्रेशर जैसे सिक्सटी जूम कर लिया एंड इंटरनल प्रेशर इज आल्सो सो सिक्सटी है इफ दोनों सेम है अपोजिट है जैसे ये भी सिक्सटी लग रहा है ऊपर से नीचे से सिक्सटी तो दैट मीन हमारा पिस्टन मूव नहीं करेगा नहीं तो वो ऊपर की तरफ आएगा नहीं नीचे की तरफ आएगा अब देखिए हमें क्या करना है गैस को एक्सपेंड करवाना है दैट मीन हमारा पिस्टन थोड़ा ऊपर की तरफ हो तो हम कैसे कर सकते हैं हमारा टू वे है देखिए वन वे तो ये हो सकता है जितना भी हमने ये वेट रख रखे हैं जो वेविंग वेट आते हैं ये वेट को हम सडनली सभी वेट को हटा दी सडनली आप हटा दोगे तो पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा देखिए अब आप वेट हटा दोगे ये कंडीशन होती है ई रिवर्सिबल में हमने ये देखिए अजूम कर लिया कि सारे वेट आपने हटा दिए तो डैट तो मीन यहाँ का जो प्रेशर है ना मान ली टेन हो गया और यहाँ इतना था सिक्सटीन तो ये प्रेशर ज़्यादा है दैट मीन ग्रेस की जो गैस के पार्टिकल हैं यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा एंड गैस हमारा एक्सपेंड हो जाएगी ठीक है ये तो होता है ई में कि जो अचानक जो हमारा ये वेट जो हमने रख रखा है उसको हम सडनली रिमूव कर देते हैं तो प्रेशर जो गैस के पार्टिकल हम एग्जट करते हैं एंड एक्सपेंड हो जाते हैं एंड लेकिन जो रिवर्सिबल होता है उसमें क्या करते हैं जैसे हमने ये वेट रख रखा है पहले हम क्या कर देते हैं जैसे यहाँ पे सिक्सटी था हमने कुछ वेट को यहाँ से हटा दिया मान ले अब हमने सिक्सटी से अब यहाँ पे फिफ्टी फाइव हो गया जो प्रेशर एग्जट हो रहा है पार्टिकल पे एंड अंदर कितना है सिक्सटी ये वाला प्रेशर इससे कम हो गया दैट मीन ये प्रेशर कम है ये ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा पिस्टन दैट मीन ऊपर आएगा जैसे पहले ये स्टेट थी अभी यहाँ तक आ गया हमारा ठीक है थोड़ी गैस एक्सपेंड हुई पार्टिकल की ये हमें पता है कि देखिए वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ होगा गैस एक्सपेंड होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी प्रेशर डिक्रीज ठीक है अब ये कर लिया हमने अब पिस्टन मूव कब नहीं करेगा जब एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर दोनों सेम ना हो जाए अब देखिए अब थोड़े टाइम बाद हमें क्या किया कुछ वेट को और रिमूव कर दिया तो फिफ्टी फाइव से मान लें हमने फिफ्टी हो गया एंड ये सिक्सटी है तो हमारा और गैस एक्सपेंड होगी तो ये जो रिवर्सिबल होता है ना उसमें ये स्टेप सीरीज नंबर ऑफ स्टेप्स लगते रहते हैं जब तक गैस एक्सपेंड नहीं होती एक बार हम क्या करते हैं कुछ देखिए वेट को आप हटा दोगे दैट मीन कुछ ऊपर आ जाएगा पिस्टन गैस एक्सपेंड होगी अब वेट को वापस रख दोगे तो फिर से कंप्रेस हो जाएगी हमारा तो जो रिवर्सिबल होता है ना उसमें काफ़ी टाइम लगता है मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं कंप्लीट होने में एंड जो इरिवर्सिबल होता है वो सडनली एंड फास्ट बहुत होता है जो हमारे नेचर में जितने भी ज़्यादा प्रोसेस हैं जितने भी प्रोसेस हैं वो ज़्यादा मोस्टली हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के फीचर्स क्या होंगे एक तो इसमें बहुत ज्यादा एक तो यह स्लो प्रोसेस होता है इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है एंड वर्क डन सबसे ज्यादा किस में लगेगा रिवर्सिबल वाले में रिवर्सिबाले में वर्क क्या होगा मिनिमम होगा क्योंकि इसमें तो वर्क लगे है ना इसमें हम ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स करोगे उतनी ज्यादा हमें वर्क की रिक्वायर होगी तो आई होप आपको समझ आया होगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एंड स्टेट ऑफ सिस्टम एंड जो हमने पढ़ा है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल